हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं हर्षिता की एक और वीडियो जिसका नाम है जिद्दी लड़की। और हर्षिता अभी नहीं आई हुई है, 12:15 बजे आएगी। और हर्षिता को मैंने टाइम दे दिया था कि हर्षिता 12 बजे आना है, तो हर्षिता गाइस 12 बजे आएगी। और निखिल उन आ चुके हैं। निखिल देखो, हेलो करो निखिल फ्रेंड्स को। हाँ सो फ्रेंड्स, अभी 15 मिनट बचे हुए हैं, तो सोच रही हूँ क्या करूँ। तो एक बार मैं अपनी स्टोरी को पढ़ लेती हूँ, जो स्टोरी मैंने लिखी है। अपनी स्टोरीज भी मैं ही लिखती हूँ। ये मेरा रजिस्टर है 20 रुपये वाला, और ये पेन है जो हमेशा मुझे निखिल ही खरीद के देते हैं। क्यों निखिल, तुम ही लाते हो ना मेरे लिए सारी पेन खरीद के, और रजिस्टर भी। दोस्तों, अब तक मैंने जितने भी अपनी स्टोरी लिखी है, वो सारे के सारे पेन और रजिस्टर मुझे निखिल ने ही खरीद के दिए हैं। थैंक यू निखिल, वेलकम। हाँ सो दोस्तों, निखिल ना बहुत ही अच्छा है, और काम करने में निखिल बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही जल्दी जल्दी काम करता है। सो निखिल इज़ वेरी गुड बॉय, बट कभी कभी चाले बहुत ज़्यादा करता है निखिल। निखिल बिन बुलाए आ गए एडिटिंग करने। हाँ दोस्तों, निखिल को बुलाना भी नहीं पड़ता, और निखिल उन बिना बुलाए टाइम पर आ जाते हैं सबसे पहले, और सबसे लेट जाते हैं। खाना भी नहीं खाते और इतने ध्यान से काम करते हैं। सब दोस्तों, जब निखिल काम करते हैं ना निखिल उन, तब वो खाना वाना सब खाना भूल जाते हैं। और निखिल को खाना दे दो, नहीं तो निखिल कभी कभी तो दिन भर ही खाना भूल जाता है। निखिल भूल जाते हो ना कभी कभी? क्या भूल जाता है कभी कभी निखिल? दिन में भी खाने का भूख नहीं लगती, बस मन से खा लेता है। पता नहीं दोस्तों, अजीब लड़का है, भूख नहीं लगती, जबरदस्ती मम्मी खिलाती है तभी खाता है। बहुत ही लगन है, बहुत मेहनत से काम करवाते हैं वो। बहुत ही निखिल में बहुत ही लगन है, मेहनत है निखिल, ईमानदारी भी है निखिल में, ईमानदार भी है। कभी भी नीचे पैसे डले होंगे तो निखिल बता देता है कि दीदी हमको ये मिला वो मिला है। कभी भी झूठ जरूर बोल जाते हैं, पर बहुत कम बोलता है निखिल। तो हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं 12:30, और 12:30 बजे सब लोग आ चुके हैं 12:30 बजे तक। और अब हम लोग शूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे घर पर आए एक नए गेस्ट, मैं आपको उन वहाँ से मिलवाती हूँ। ये रहे, हेलो करो अंकल जी, हेलो करो, हेलो। बड़े सालों बाद कैमरे में आए। बहुत दोस्तों, दिलीप अंकल जी की वीडियो बनाई थी 3 साल पहले, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली। ध्यान करवा दो दर्शकों को। हाँ सो दोस्तों, दिलीप अंकल जी की 3 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी, फिर उनको सेठ जी ने उनके चढ़ा दिया था उनको, तो फिर जब से उन्होंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, बहुत शर्माने लगे कि मेरे सेठ जी मुझे चढ़ाते हैं। सो अभी हम लोगों का फर्स्ट सीन होने वाला है वॉइस रिकॉर्डिंग से। तो ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, और ये माइक है मेरे पास, और अब मैं अपना वॉइस दूंगी। सो निखिल हर्षिता चुप हो जाओ, रेडी। एक गांव में एक किसान रहता था, वह बहुत ही मेहनती था, उसका नाम दीपक था। दीपक की एक बेटी थी जिसका नाम हर्षिता था। राकेश मात्र 1 मिनट चुप हो जाओ ना। राकेश दोनों जाने चुप हो जाओ, 1 मिनट। एक गांव में एक किसान रहता था, वह बहुत ही मेहनती था, उसका नाम दीपक था। दीपक की एक बेटी है जिसका नाम हर्षिता है। हर्षिता बहुत शैतान और गुस्से वाली थी, उसे नए नए खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। किसान अपनी बेटी की हर मांग पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। फ्रेंड्स ये देखिए, हर्षिता भी आ चुकी है। हर्षिता ने आज एक बहुत ही अच्छा टॉप पहना है, बिल्कुल चमकने वाला, और हर्षिता आज बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हर्षिता मम्मी ने डांट के भेजा है क्या? किसी ने भाई ने चिल्लाया तो नहीं? हाँ निखिल देखो, निखिल कुछ भी नहीं है, निखिल नॉर्मल है। निखिल जरा आंखों में कुछ इशारे करना, कुछ देना, कुछ दो ना। नहीं, ये नहीं चाहिए। ये ले लो। अब दो मैं।
सो देखिए दोस्तों, ये दीपक किसान का रोल करने वाले हैं। ये तो कपड़ा बांध लिया है सर पे, बहुत सारे रोल करना पड़ेंगे, कैमरामैन के भी, किसान के भी, जो मिल जाए, जो जरूरत पड़ने पे, जो भी चीज का रोल आ जाए उसका। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रोल होने वाला है, यहाँ पे बहुत गंदा उसारा उड़ा था तो निकलने बिल्कुल एक मिनट से भी कम टाइम में इसको झाड़ दिया, क्लीन कर दिया बिल्कुल एकदम चकाचक। ऐसे तब उकारा जाएगा धूप में नहीं। सो निखिल, आप कितने मेहनती हो ना, वेरी गुड निखिल। अर्षिता को धूप लग रही है क्या छांव में भी? सर दर्द करने लगा अर्षिता? कुछ प्रॉब्लम हो तो अर्षिता बता देना हमको, है? चलो बैठ जाओ। आई दीपक बैठना। फ्रेंड्स, ये देखिए निखिल उदास हो गए हैं, क्योंकि निखिल मम्मी ने क्या किया था आपके साथ कि आप उदास हो रहे हो, ये बता दे। कि फ्रेंड्स, निखिल के आंसू आ रहा है कितनी जोर से, निखिल की आंखों में आंसू भरे हैं। हाँ मम्मी, निखिल मोबाइल दे दो, 5 मिनट के लाना है। तो कौन को चलाना है? नहीं नहीं, मोबाइल नहीं मिल रहा, और क्या, मोबाइल नहीं देते। अर्चिता भी नहीं दिया ना निखिल मैंने, अर्चिता को भी नहीं दिया ना निखिल मैंने, जिस दिन से मना किया है, ना अंजलि को दिया, ना दीपक को दिया, ना वंदना को दिया, किसी को नहीं दिया ना, नहीं दिया ना निखिल। मोबाइल ज्यादा वो नहीं करते अपन। कौन ने, कौन ने मना करी थी? किस, मैंने कब करा था, क्या कहा था मैंने? मैं कह रहा हूँ मम्मी से मोबाइल ले, तुमने कहा कही थी उसको मत दिलाना, यही चला लेता है, चला लेना जल्दी। तुम्हारी मम्मी से? मैंने कब कही थी तुम्हारी मम्मी से? फोन पे। कितनी पुरानी बात कर रहे हो, वंदना ने कही होगी? तुमने कही थी इसको? मैं नहीं कही, चलाने देना, मैं चला लेने देती हूँ यहाँ, हर बहुत हर किसी का चला लेता है। अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी ना है मोबाइल चलाने की, तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की है। मैं कह दूंगी मम्मी से, है निखिल फोन करके, मम्मी देखे ना रास्ते में तो बोल देना है। हाँ ठीक है, कह दूंगी है कि निखिल मोबाइल दिला देना। फिर निखिल तुम पागल तो नहीं हो गए मोबाइल में? दुनिया चला रही, दुनिया पागल हो रही, तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो गए मोबाइल के पीछे, दुनिया कम है। पेरेंट्स देख रहे ना, जे भी मोबाइल चला रहे, कौन काम नहीं हो रहा, जे पेरेंट्स देख रहे ना वीडियो अपने, जे भी मोबाइल चला रहे, और जे पागल होगा का कमेंट में करना पेरेंट्स, पागल हो गया नहीं। दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं खेत में, तो तुमको दिलीप वो दीपक उन समझा देंगे। हे भगवान, पता नहीं मैं नाम में क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा। सो मैं इनको गाइड करने वाली हूँ वहाँ पे बेरी के नीचे। आज फिर हमारा एक नया सीन होने वाला है, ना एक खुदाई करना है, बस बोलना मोलना कुछ नहीं है, पसीना पहुँचना है, कड़ी धूप में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे धूप में इधर से ही सीन आएगा, पहले देख लेने तो सही आ रहा है कि नहीं, देखना पड़ता है। अलग एंगल ट्राई कर लेना, चाहे इस साइड से भी ट्राई कर लेना। ये यहाँ पे खुदाई वाला सीन चल रहा है थोड़ा, मतलब उठा के ऐसे उठा के, किसान मजदूर कैसे करते, किसान वाइन कुछ खोद रहे हैं, सरा बना रहे हैं, ऊपर 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 हाथ ले जाके नीचे लगाओ, देखो ऐसे बस ऐसे ही करते रहो, बस पसीना पहुँचो, पसीना पहुँचो एक हाथ से, रुक जाओ, हाँ बस स्टॉप दीपक स्टॉप, रुको दिलीप चाचा जी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग करने वाले हैं गिरने वाला रोल, मतलब एक किसान किसान मेहनत कर रहा है और अचानक से तपन से उसको चक्कर आकर गिर जाएगा जमीन पे। मैं गिर जाऊं गांव में, वही जाने। हाँ गिर जाना। हाँ कौन सी स्टाइल से गिरूं बताइए, मुझे पहले एक बार सैंपल में देख ले कौन सी तरीके, मैं बता दे रही। ठीक है, नहीं चल कर नहीं आना, करना है डायरेक्टली करना है। हाँ डायरेक्टली करना है इनको ये वाला सीन। सो खुदाई करना है, मैं बोलती जाऊंगी, खुदाई करो, सुनते जाना और करते जाना, पसीना पहुंचो। हाँ एक मिनट रुको, खुदाई करने का ले लिया था, अब पसीना का इतना क्लोज अप है चेहरे चेहरे का, दोबारा खोदो। हाँ खोदने का अलग होगा, खोदने का अलग। हाँ खोदो, थोड़ा सा उठा के मैंने पहले बताया था, इधर मत देखो और उठा के। हाँ अब खड़े हो जाओ, पसीना पहुंचो। हाँ स्टॉप, अब क्लोज अप ले लेना चेहरे चेहरे का, पसीना पहुंचने का। हाँ बस पसीना पहुंचना है। हाँ
हाँ ऐसे गिरे रहना, बस चेहरे तक ले जाना है। गाइस यहाँ पर चल रहा है बेहोश होने वाला सीन, बस काफी उठ जाओ उठ जाओ, सब बेहोश होने वाले हो गए, कपड़े वपड़े चढ़ा लो और अब हम लेते हैं नेक्स्ट हमारा सीन। कपड़े चढ़ा लो अंकल जी। अरे मेरे कोई कपड़ा वपड़ा नहीं चढ़ा हूँ मैं, कभी मजदूर आदमी है क्यों, मजदूर आदमी है ना किसान भाई।